आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कह रहा है कि इफ फॉर सम पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पी क्यू आर के बारे में कमेंट कर रखा है, ये रियल नंबर है। नॉट ऑल हैव सेम साइन, सारे के अपने के पास साइन सेम नहीं है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ठीक है। इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट्स अपने के पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दे रखा है, इज ऑल्सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस रूट्स के इस इक्वेशन के दूसरे रूट्स है, ठीक है। अपने के पास एक रूट्स क्या है, कॉमन है। यहां से अपने के पास इसका वैल्यू निकालना है कि ये किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास जिंदा क्वाड्रेटिक क्या है, व्हाट डू यू मीन जिंदा क्वाड्रेटिक। जिंदा क्वाड्रेटिक मतलब ये होता है कि अपने के पास इसमें देखिए कोई भी पैरामीटर मौजूद ना हो। तो जिंदा क्वाड्रेटिक अपने के पास क्या तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स एट इक्वल टू आ गया अपने के पास जीरो के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर दे रखा है, तो यहां से अपने के पास इसका फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स फोर एक्स और यह आ गया अपने के पास किस बराबर, माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स एट इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यह किस बराबर, एक्स प्लस फोर के बराबर। यहां से माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस फोर के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने के पास एक्स प्लस फोर के बराबर और इनटू अपने के पास किस आ जाएंगे तो एक्स माइनस टू के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। यानी अपने के पास एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, फोर माइनस फोर के बराबर और यहां से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, टू के बराबर। हाँ या ना, यानी इस क्वांटिटी के दो रूट्स हैं, एक तो अपने के पास माइनस फोर, दूसरा अपने के पास किस बराबर, प्लस टू के बराबर। तो ये अपने के पास एक क्वांटिटी है जिनके अपने के पास दो रूट्स हैं। बताओ एक रूट्स तो अपने के पास किस बराबर, माइनस फोर के बराबर और दूसरा रूट्स अपने के पास किस बराबर, टू के बराबर। और एक चीज अपने के पास क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के अपने के पास एक रूट्स कॉमन है, तो माइनस फोर कॉमन हो सकते हैं यानी तो टू कॉमन हो सकते हैं। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ जिंदा क्वाड्रेटिक के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा अपने के पास क्वाड्रेटिक क्या दे रखा है, तो पी स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर और इनटू अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, ठीक है। और माइनस टाइम्स अपने के पास दे रखा है टू क्यू इनटू अपने के पास पी प्लस आर के बराबर इंटू एक्स के बराबर दे रखा, प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर प्लस टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, ठीक है। यहां से अगर आप गौर से देख रहे हैं इसका भी आप फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, तो यहां पर देखो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स टू पी क्यू एक्स, हाँ टू पी क्यू एक्स माइनस टाइम्स टू क्यू आर एक्स और प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर और प्लस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। हम जितना दिखा रहे उतना ही दिखेगा, ज्यादा नहीं। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास पी क्यू और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स टू पी क्यू और इसको गौर से देखो जितना हम दिखाएं उतना ही, किसको, इसको, इसको और इसको। जैसे इसको गौर से देखो तो ये अपने पास पी एक्स और माइनस टाइम्स एक्स का हो, पी एक्स और माइनस टाइम्स क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ है ना, ठीक है। अब इसको, इसको और इसको देखो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ, प्लस टाइम्स क्यू एक्स और माइनस टाइम्स आर इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। हाँ या ना, ये अपने के पास फैक्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का आ गया। जब ये इस तरीके के आ गया तो यहां से अपने के पास क्या कर सकते हैं, ये अपने के पास दो स्क्वायर वाला टर्म जीरो कब हो सकता है, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये भी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, यानी इसको ही जीरो होना पड़ेगा, यानी तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा। जब इसको जीरो होना पड़ेगा और इसको जीरो होना पड़ेगा तो यहां से अपने के पास कंडीशन क्या हो सकता है, पी एक्स माइनस टाइम्स क्यू इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, क्यू अपॉन पी के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। या नहीं तो अपने के पास क्यू एक्स, ये दोनों एक साथ जीरो होगा, यहां से अपने के पास एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, आर अपॉन पी के बराबर, आर अपॉन क्यू के बराबर। ये अपने के पास दो रूट्स आ गए, एक तो अपने के पास ये और एक अपने के पास ये। अब अपने के पास देखो ये जो क्वाड्रेटिक आया ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स, दो रूट्स, एक तो अपने के पास एक्स इक्वल टू क्या आ गया, तो अपने के पास क्यू अपॉन पी के बराबर और दूसरा अपने के पास किस आ जाएंगे, आर अपॉन पी के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो लाइन सब दे रखा है ना उसका अपने के पास बहुत सारा मतलब है। क्या है बहुत सारा मतलब, अपने के पास इसके जो रूट्स है एक तो माइनस फोर है और एक अपने के पास टू है। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके जो रूट्स है ना वो अपने के पास क्या कह रहा है, सेम साइन के नहीं है। नॉट ऑल हैव सेम साइन, जब अपने का सेम साइन के ही नहीं, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, अगर अपने पास ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ, यानी यहां से अपने के पास कह सकते हैं कि क्यू अपॉन पी दो के बराबर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो किसके बराबर हो सकता है, तो माइनस टाइम्स फोर के बराबर। प्लस इस एक ही कंडीशन में आएगा जब दोनों सेम साइन का होगा, प्लस होगा दोनों पी क्यू और पी प्लस होगा तब पर ही प्लस आ सकता है, अदरवाइज अपने के पास माइनस ही आएगा। यहां से अपने के पास आर अपॉन क्यू इक्वल टू किस बराबर हो सकते हैं, तो माइनस फोर के बराबर। यही एक लौता कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। यहां से क्यू इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो बताओ, क्यू इक्वल टू नहीं पी का वैल्यू बता लो, यहां से अपने के पास पी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो यहां से आ गया अपने के पास क्यू अपॉन में बताओ, तो यहां से आ गया अपने के पास क्यू का वैल्यू बताओ, क्योंकि अपने के पास ऑप्शन में पी स्क्वायर नीचे है, तो यहां से q इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो माइनस टाइम्स फोर पी के बराबर और यहां से अपने के पास r इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो
आर इक्वल टू ना बेबी, यहाँ से अपन के पास क्या करो क्यू का वैल्यू निकालो ताकि ज़्यादा आसान हो, पी का वैल्यू अपन किस करा जाएंगे तो क्यू अपॉन में माइनस फोर के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से अपन के पास क्यू का वैल्यू किस करा हो जाएंगे तो आर अपॉन में माइनस फोर के बराबर, नहीं आर का वैल्यू बताओ, यहाँ से आर इक्वल टू किस करा हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स अपने के पास किस करा जाएंगे फोर क्यू के बराबर, तो यहाँ से पी इन टर्म्स ऑफ क्यू आ गया और क्यू इन टर्म्स ऑफ माइनस फोर आ गया, ये अपने के पास माइनस फोर ही हम क्यों लिए, प्लस टू क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि अपने के पास दे रखा नॉट हैव ऑल साइन, अपने के पास अगर मान लेते तो ये प्लस टू कॉमन रूट्स आ जाता तो अपने के पास ये कॉमन हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते क्योंकि अपने के पास पी और क्यू अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन को अगर डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आता है, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास फाइनल आंसर किसके बराबर है तो क्यू स्क्वायर प्लस टाइम्स आर स्क्वायर और होल अपॉन में आपने क्या करा जाएंगे तो पी स्क्वायर के बराबर, चलो वैल्यू बताओ, यहाँ से आपने क्या क्यू, क्यू किसके बराबर, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दो, आर की जगह आपने क्या किसके बराबर है, यह आपने क्या फोर क्यू माइनस फोर क्यू का होल स्क्वायर, होल अपॉन में आपने क्या करा जाएंगे तो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आपने क्या किसके बराबर है तो यहाँ से क्यू अपॉन में माइनस फोर का होल स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपने क्या जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, तो यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए कॉमन लेके, यहाँ आपने क्या वन प्लस टाइम सोलह और इनटू अपन किस तरह आ जाएंगे तो 16 के बराबर, यहां से सॉल्व किया तो 16 प्लस टाइम 16 16 को मल्टीप्लाई 256 के बराबर, नॉट 57 56, यहां से आ गया अपन के 6 6 12 5 1 6 1 7 के बराबर 272 इज द फाइनल आंसर, तो 272 कौन से ऑप्शन है, अच्छा इंटीजर टाइप है तो 272 अपन के पास किसके बराबर हो जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ये थे अपन के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में तो क्या करके आने, बना के आने, छोड़ने तो नहीं है, अगर जिंदा क्वाड्रेटिक है तो, अगर आपने के पास मुर्दा क्वाड्रेटिक, मुर्दा क्वाड्रेटिक मतलब इसमें भी आपने के पास मान लो पी होता, क्या होता है पी होता, तब आपने के पास बाय प्रोसेस जाते, यानी तो आपने के पास कॉमन रूट सिंगल कॉमन रूट का कंडीशन लगाते और खुश रहते, तो ये थे आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।